अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल सारा इराज किचन एंड व्लॉग से, और आज हम ढाबा स्टाइल तड़के वाली दाल बनाने जा रहे हैं। तो दाल ये बहुत अच्छी लगती है, और क्या नाम है, हफ्ता 15 दिन में तो हम लोग बना के खा सकते हैं। शादी शादी खाते हुए दाल हम लोग वो हो जाते हैं, उब जाते हैं। तो फिर तड़के वाली दाल शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि दाल आपको कैसी लगी, और इसको एक बार ट्राई भी ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ओके, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इस कटोरी से नाप कर 2 कटोरी दाल लेते हैं। तो अब इसको धो लेते हैं 2 से 3 पानी तक का। तो इस कप से नाप कर 2 कप पानी डालेंगे। एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच से कम नमक, नमक तो आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। अब इस दाल को 2 से 3 सीटी आने तक का धीमी आंच पर पकाएंगे। तो अब इसका ढक्कन लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं, प्रेशर निकल चुका है और हमारी दाल गल चुकी है। तो अब तड़के की तैयारी करते हैं। तो ये दाल थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, इसमें 1 कप पानी मिक्स करना पड़ेगा। इस कप से 1 कप पानी मिक्स किया गया। तो देखिए दाल में मेरे बॉयल आ चुका है, अब तड़के की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया इसमें, अब ये मेल्ट होएगा। थोड़ा सा बटर डालेंगे, तो इसमें 2 लाल मिर्च डाल देंगे। दो पिंच हींग, आधा चम्मच जीरा, ये 2 लहसुन की कलियां हैं जो मैंने बारीक कट कर ली हैं, ये डालेंगे। और 1 छोटा प्याज है जो मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये डालेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मेरा प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें बारीक 2 हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट ली हैं, ये हैं। टमाटर मिक्स करेंगे और थोड़ी सी धनिया भी डालेंगे, बाकी ऊपर से गार्निश करेंगे। तो ये देखिए तड़का मेरा तैयार हो चुका है। अब इसमें दाल को मिक्स करते हैं। दाल को मिक्स कर लिया। तो अभी बस अब इसमें दाल मेरी पक रही है, हम इसमें धनिया डाल देंगे। गैस को ऑफ करेंगे और ये हमारी ढाबे स्टाइल तड़के वाली दाल बन गई है।